Good morning, dear students. In today's class, we will study page number 4 and 5 of lesson 1. So, in page number 4, here is a rhyme. So, let's listen and sing it. Brush, brush, brush your teeth, brush them every day. Father, mother, brother, sister, brush them every day. Comb, comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. फादर मदर ब्रदर सिस्टर वॉश इट एवरी डे. तो यहाँ पे जो है ये छोटा सा राइम है, इसमें कह रहा है कि आपको रोज़ ब्रश करना चाहिए, सबको ब्रश करना चाहिए, फादर मदर ब्रदर सिस्टर सबको ब्रश करना चाहिए. कॉम 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 योर हेयर, आपको अपने बालों में कंघी करनी चाहिए और हर रोज़ करनी चाहिए, ठीक है, सबको करनी चाहिए. फिर वॉश 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 योर फेस, अपने फेस को धोना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से धोना चाहिए और रोज़ धोना चाहिए और सबको धोना चाहिए, ठीक है. तो इस तरह से आपका ये पोएम कंप्लीट हो जाता है. फिर है क्वेश्चन, लेट्स राइट हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे जो ये पिक्चर जो बना हुआ है हिप्पोपोटामस का है और इससे जो है आप इसके लेटर्स को यूज़ करके आपको वर्ड बनाना है. तो इससे हम वर्ड बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टॉप, STOP स्टॉप. फिर हम बना सकते हैं मैट, फिर एम बना सकते हैं, हिप बना सकते हैं और बाकी हम लोग टॉप भी बना सकते हैं और भी वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे मस्ट बना सकते हैं, MUST मस्ट, ठीक है. और बाकी जो वर्ड्स वगैरह आपको समझ में आते हैं तो वो आप बना सकते हैं, जिनके की कुछ मीनिंग होने चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए, ठीक है. हम आते हैं पेज नंबर 5 पे. तो पेज नंबर 5 में जो क्वेश्चन है, सर्किल व्हाट यू कैन कैरी इन योर स्कूल बैग, नाउ राइट द नेम्स ऑफ योर थिंग्स इन द बॉक्स बिलो. आपको उन सारी चीज़ों को सर्किल करना है जो कि आप स्कूल में लेकर जाते हैं, अपने स्कूल बैग में लेकर जाते हैं, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्कूल में स्कूल बैग में क्या सब लेकर जाते हैं, देखिए एक बार आप यहाँ पे देखिए, रूलर ले जाते हैं, शार्पनर ले जाते हैं, पेन ले जाते हैं, इरेजर ले जाते हैं, वाटर बोतल ले जाते हैं, टिफ़िन ले जाते हैं, पेंसिल ले जाते हैं, बुक्स ले जाते हैं, ये सारी चीज़ें ले जाते हैं. तो कितने सारी चीज़ों के 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सारी चीज़ों का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है. यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है इसमें आप लिख देंगे इस तरह से. क्या लिखेंगे आप इसमें, इरेज़र ले जाते हैं, इरेज़र, पेन, पेंसिल, बुक, टिफ़िन, वाटर बोतल और फिर बाकी शार्पनर और भी कुछ ले जाते हैं, रूलर ले जाते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख दें. कुल टोटल 8 चीज़ें हैं यहाँ पे जो जितने भी दिए हैं, जिनको कि हम अपने बैग में डालकर स्कूल ले जाते हैं, ठीक है. इस तरह से आपका ये पेज नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट पेज नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे, तब तक ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे. Thank you, my dear students.